वर्णन किया गर्व से, इतना दहेज देते हुए, इतना व्रत देते हैं, इतना क्या क्या देते हुए, जेवर देते हैं, दासी देते हैं, हाँ, और फिर वो जमाई का विदा लेते हैं। और जमाई जो है वो 3 करोड़ कन्याओं को लेकर आकाश मार्ग से, आकाश मार्ग से कहा जाते हैं काम्य वन, और काम्य वन में भगवान 3 करोड़ महल बनाते हैं, और 3 करोड़ महल में उनका विराजते हैं पति के रूप में, और फिर वहां पर रास लीला करते हैं ये 3 करोड़ कन्याओं के साथ काम्य वन में। जब रास लीला करते हैं तो सबके आंखों से अश्रु और दिव्य स्वेद निकलता है, जल निकलता है शरीर से और आंखों से, वो इकट्ठा होता है और विमल कुंड तैयार होता है। जैसे ही वो तैयार होता है तो 84,000 आ रहे हैं हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी हिंदी कब आएगा? फर्स्ट कभी हम देंगे। हाँ बिल्कुल देंगे, निश्चित रूप से। जब मार्च में बन जाएगा व्हाट्सएप कर देंगे। यस यस, आई विल एंजॉय इट मोर देन। तो 3 करोड़ खर्च होने के बाद क्या हुआ? रास करते हैं। ओके, तो कुंड बनता है। जैसे ही वो कुंड बनता है तो विमल राजा वहां पर आता है। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें मैं मेरे जैसा ही रूप दूंगा, सारूप्य मुक्ति मिला दूंगा। तो वो उसको कृष्ण का सारूप्य सायुज्य सामिप्य सारूप्य सारष्टी सारष्टी भगवान का ऐश्वर्य, सारष्टी भगवान का ही जैसा ऐश्वर्य सारष्टी। तो भगवान का पांच है, एक सायुज्य एक हो जाना, एक है सामिप्य नजदीक, एक है सालोक्य उसी लोक, एक है सारूप्य यानी सेम रूप, और एक है सारूप होगा पर लक्ष्मीपति नहीं होगा। हाँ रूप ऐसा ही होगा दिखेगा लेकिन वैसा लक्ष्मीपति नहीं बनेगा, लेकिन 4 भुजा होगी, नीला रंग होगा, शंख चक्र पद्मा विष्णु विष्णु और सारष्टी भगवान का ऐश्वर्य, यश बल कीर्ति सौंदर्य सौंदर्य सब नॉलेज और ज्ञान 6 ऐश्वर्य। तो उसको सारूप्य दिया भगवान, तो वो कृष्ण ऐसा ही बन गया। तो दोनों ऐसे खड़े हो गए, तो दोनों का मूर्ति का विमल कुंड के किनारे पे है अभी भी। हाँ, तो जैसे कुंड बनाना तो भगवान ने विमल राजा की भक्ति को देखकर उस कुंड का नाम विमल कुंड कर दिया। विमल कुंड का नाम देते ही 84,000 तीर्थ उसके अंदर प्रवेश करते। कितने तीर्थ है ब्रह्मांड लेकर लोक से नीचे लेकर सारे तीर्थ जमा हो गए। भगवान ने कहा कि यहाँ पर जो भी स्नान करेगा वरदान देगा, जो भी स्नान करेगा वो सीधे मेरे दोनों को प्राप्त होगा। ऐसा ही विमल तीर्थराज कुंड है, वहाँ पर ये विमल राजा का मंदिर भी है, और बहुत चमत्कारी साधुओं का वहाँ पर आश्रम है, बहुत चमत्कारी। भगवान ने दर्शन दिया वहाँ, राधारानी ने दर्शन दिया ऐसा, बहुत सुंदर। और वहाँ पर ना कामेश्वर महादेव है, ब्रज के जो 5 महादेव है ना, एक भूतेश्वर महादेव कहाँ पर है, मथुरा में, उसने उसको कंस ने पूजन किया, कंस ने पूजन किया था कि मुझे कृष्ण को मारने की शक्ति दो, ऐसा करके उसका पूजन किया। दूसरा है गोपेश्वर महादेव, जो शंकर भगवान स्वयं गोपी बन गए वृंदावन में। तीसरा चक्रेश्वर महादेव, भगवान ने गोवर्धन में निवास माना, क्योंकि शंकर भगवान गोवर्धन का लीला देखने के लिए आए थे कैलाश में रुद्रकुंड के पास, तो वहां से आके फिर वही बस गए चक्रेश्वर महादेव। फिर नंदीश्वर महादेव नंद बाबा के पास बस गए, दर्शन करने गए थे ना, तो वहीं पर नंदीश्वर महादेव तो कहानी बताऊं मैं हो गया। फिर एक है कामेश्वर, जो कामेश्वर नंदीश्वर महादेव का कहानी ऐसा है कि भगवान का बाल रूप देखने के लिए शंकर जी महाराज कैलाश से आए, क्योंकि गौलोक धाम में भगवान का बाल रूप दर्शन मिले, तो 16 साल के रहते हैं, तो बाल रूप का दर्शन करने के लिए शिव जी महाराज खास अकेले नहीं, बहुत लोग आते हैं, इंद्र भी आते हैं, सब देखो बालों का भगवान का बाल स्वरूप दर्शन नहीं होता है वैकुंठ में। तो आगे उधर तो यशोदा माँ क्या बोलती है, तुम लोग पहले तो राक्षस लोग, तुम लोग पहले औरत बन कर आए, बाद में तुम लोग बैलगाड़ी बन कर आए, बाद में बवंडर बन के आए, बाद में बैल बन कर आए, बाद में घोड़ा बन कर आए, अभी साधु बन कर आए हो, साधु मैं सब जानती हूँ तुम्हारा राक्षसों का क्या तरीका है, तुम साधु बन के आएगा तो तुमको मैं दर्शन नहीं दूंगी जाकर मेरे पे बलाला का, चलो जा ऐसे दरवाजा बंद कर दिया। वो तो राक्षस थे नहीं, शंकर भगवान थे,
तो जाके वन में बैठ गए, वन में नीचे उतर के पहाड़ से नीचे जाके वन में बैठ गए, रोने लगे बहुत, रो रो के पुकारा भगवान, बोले अरे मेरा तो इतना प्रिय सखा जो है वो रो रहा है और मेरे मैया ने तो बंद कर दिया उसको, भी क्या करे। तो क्या कौन सा अस्त्र निकाला बाहर, कौन सा अस्त्र निकाला, अस्त्र अस्त्र कौन सा निकाला अस्त्र, बालक के पास कौन सा अस्त्र होता है, बालक के पास रोना एक ही अस्त्र होता है, तो बालक रोएगा तो बड़े बड़े आदमी रोएंगे खत्म हो जाते हैं, इतना बड़ा आदमी होगा राजा होगा तो भी बालक रोएगा तो उसका हालत खराब होगा, तो बालक ने रोना शुरू कर दिया। तो भैया ने पहले दूध पिलाया, तो दूध था कर दिया, फिर खिलौना दिया, फिर ऐसा आवाज करने का सब फेंक दिया, जितना कोशिश किया सब कुछ फेंक दिया। तो अभी क्या करेंगे, अभी सब परेशान हो गए, अभी क्या करना है, दूध नहीं पी रहा है, खिलौना नहीं ले रहा है, गाना नहीं सुन रहा है, डांस नहीं देख रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, मनाए कैसे उसको। उतने में ना पार्वती का अवतार है पूर्णमासी देवी, वो ब्रज में गोपी बन रही है, पूर्णमासी गोपी है, तो वो आती है और बोलते है अरे तुमने तो बाबा को भगा दिया ना, वो बड़ा चमत्कारी बाबा है, बड़ा दूर से आया है वो, क्योंकि पते है ना उसके मालूम है क्या करने के लिए आया है वो, तो तुमने उसको भगा दिया, लेकिन वो तुम्हारे बालक को शांत कर सकता है। तो वही यशोदा जिसने बंद किया था, वो सखियों को थाली देके भेजती है आमंत्रण दे दो, वो रो रहे इधर, तो उसको सखियां बुलाती हैं, तो वो आ जाते हैं, तो फिर वो बालक को रोते रोते बालक को लेके आती है, रोते रोते बालक को लेके आती है, तो शंकर भगवान चरणों को स्पर्श करते हैं।